भाई रश चेक करो पीछे कितना ज्यादा रश है। पानी तो नहीं आ रहा बिल्कुल। हर महादेव, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो के अंदर। तो भाई आज हम जा रहे हैं कावड़ियों के पास। जैसे कि कल की है महाशिवरात्रि, कल जल चढ़ना और सारे कावड़ी आ चुके हैं लगभग। और वहाँ पर बहुत प्यारी जो कावड़ है अपने यहाँ पे, जो नाड़ा दर्शन करेंगी, मैक्सिमम यहीं से आनी है, तो वो कावड़ भी दिखाएंगे और देंगे वहाँ पर भोले बाबा का आशीर्वाद। जो चलते हैं अपना आगे बहुत ही गलत रहेंगे। रास्ते में भी काफ़ी शिविर लगे हुए हैं, देखो भाई कितनी प्यारी प्यारी कावड़े हैं। सारे रास्ते के अंदर पूरे कावड़े से भरी हुई है और थोड़ी स्पीड में भी डाक कावड़ है, देख रहे हैं कावड़ देखने को मिल रही है। भाई अभी चलते हैं और घोड़ों को बांटते हैं यहाँ सामान। भाई अभी ये बांटते हैं यहाँ जीरा और फिर चलते हैं। अपना हरिद्वार का प्रोग्राम हो गया, हरिद्वार का हो गया प्रोग्राम सेट, तो चलते हैं अपना आगे। कावड़ देखो भाई पूरी स्पीड में आ रही है, जा बोलेगी वो, जा बोलेगी करते, जा बोलेगी। अब चल पड़े हरिद्वार की तरफ से, जय बोलेगी, जय बोले। तो भाई अपना प्लान तो नहीं था, इंस्टेंट प्लान बन चुका है हरिद्वार जाने का। फाइनली अभी यूपी के हाफे में है, हरिद्वार के रास्ते में ही है जस्ट, और पहुंचने वाले। और कराते गंगा मैया के दर्शन, पीछे देख सकते हो काफ़ी कावड़े जा रही है वहाँ से। और अभी हम आज लेके आएंगे, आज जा रहे हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे वापस। भाई पूरी सूटम सूट चल चुकी है अपनी बुलेट, और क्या कहते हैं कावड़ियों के लिए एक अलग से रास्ता बना रखा है, ये चीज़ बहुत सही है अपना ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। इसको अपना डबल वे कर दिया एक साइड को और एक साइड कावड़ियों के लिए। आगे से कट लेना होगा। खा लेंगे। ये देखो भाई कावड़ देखो कितनी फूल है रश में, दबा के पहुंच चुके हैं हरिद्वार। बस एंट्री होने वाली है अब अपनी थोड़ी देर में। लो भाई चल पड़े हैं हरिद्वार, और हरिद्वार यहाँ से रह गया होगा अराउंड 50 किलोमीटर। और काफ़ी अच्छा माहौल है, हर एक जगह भोले बाबा के गाने बज रहे हैं, और काफ़ी कावड़िए वापस भी आ रहे हैं जिन्होंने जल उठा लिया वहाँ से, और सीधा मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे। डाक कावड़ भी चल चुके हैं यहाँ से,
आज काफ़ी जनक डाक कावड़ जो होगी मेन आज ही स्टार्ट होनी है। जो हरियाणा की ज़्यादातर डाक कावड़े हैं, बहुत बंदे हैं भाई, मतलब अनगिनत बाइकें यहाँ पे देखने मिले। ट्रैफिक देखो भाई, पूरा एडवेंचरस मोल हुआ है, एक ही रास्ते पे आ भी रहे जा भी रहे बंदे। बस अगर आप आ रहे हो तो अपनी सेफ्टी के साथ आओ, बेस्ट है, बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं हरिद्वार, कराते हैं आपको भी गंगा मैया के दर्शन। ये देखो भाई, पूरी फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पर। ये मैं भी बॉर्डर पड़ता हूँ, अभी हम कुछ ही मिनटों के अंदर हरिद्वार के मतलब उत्तराखंड के बॉर्डर में एंट्री कर जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया मॉल है यहाँ पर, काफ़ी बंदे आ भी रहे हैं यहाँ से। पूरी लाइटनिंग वाइटनिंग अच्छे से कर रखी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे है यूपी पुलिस और गवर्नमेंट की। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के अंदर, और बहुत ज़्यादा रश हो रखा है यहाँ पे। कई करोड़ों के अंदर होगा बंदा, कई करोड़ों में पूरा रश है भाई, फुल। भाई पूरे रास्ते में ना काफ़ी किलोमीटर हो, कम से कम 40 किलोमीटर हो गए, 40-45 किलोमीटर पूरा रश लगा हुआ है। डाक कावड़ों का जितनी भी कावड़ आ रही है सारी रेडी खड़े हैं उनके ट्रक पूरे, और यहाँ साइड से भी जा रही हैं डाक कावड़ी हैं। बहुत लंबा जाम लगा, पूरा हरिद्वार से लगा हुआ भाई। हम बहुत दूर से पहले से देख रहे हैं इसको, पूरा हाईवे जाम है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया मॉल है भाई, एक नंबर का, बढ़िया। भोले बाबा के गाने सुनते चलो और जय भोले करके आगे बढ़ते चलो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी धन्नो पे, और आप रश देखो कितना है। और ये रही हर की पूड़ी, सामने पूरी विजिबल होगी, बहुत ही मज़ा आ गया। बस इंस्टेंट प्लान बन गया हमारा यहाँ पे आने का। देखो भाई अभी चलते हैं हर की पूड़ी पर लेके। भाई पूरा रश हो रहा है, पानी तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी यहाँ पे। लो भाई अपनी नॉन स्टॉप कावड़ चल पड़ी है, वो भर रहे हैं वहां से, अभी गंगा जल कर रहे हैं, अभी भरेंगे अपना फिर चलेंगे सोनीपत की तरफ। जल ले लिया और उसको यहाँ पे टाई करके फिर चल रहे हैं आगे। लो भाई चल पड़े हम सोनीपत की तरफ, सूटम सूट पूरा एक कर दिया, भोले बाबा से ले लिया आशीर्वाद। भोले बाबा को बुलावा ही था भाई, हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था आने का, बस भोले बाबा ने हमारा प्लान बना दिया। एक कावड़ी पूरी मस्ती लेते हुए, और एक दोनों साइड जाम से लगा हो भाई। भाई पूरी स्पीड में डाक कावड़े चल पड़े हैं यहाँ से। तो भाई पूरी डाक कावड़ बिल्कुल खींच के जा रही है यहाँ से पूरी स्पीड में, आप जैसे पीछे देख ही सकते हो फुल स्पीड है, कई करोड़ बंदा जा रहा होगा भाई। जब से आए पूरा रश टूट लिया, और अब यहाँ पे रुके हम ब्रेक के लिए, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं आगे। अभी हम कर रहे हैं अपना यहाँ पे डिनर, थोड़ी मखनी दाल और रोटी, सैलेड वैलेट सारा ये यहाँ पे होल है। तो करते हैं खाना स्टार्ट। डाक कावड़ सुटम सुट बोलेगी
डाक कावड़े चल रहे हैं भाई, रात के बज रहे हैं दो। सारी डाक कावड़ इतनी चली है ना, कहीं करोड़ों की संख्या में होंगे सारे के सारे। ये देखो भाई फुल मजा आ रहे भाई, इतने बंदे, मतलब ये वाइब कहीं पे भी नहीं मिलेगी अपने इंडिया के अलावा, पूरे वर्ल्ड घूम लेना कहीं पे, भोले की फौज जा रही है सारी, ऐसे पूरी पूरी रोड भरी हुई है भाई, हरिद्वार तक खत्म होने का नाम नहीं है भाई, इतने बंदे है ना कोई हद नहीं, करोड़ों के संख्या में होंगे बंदे जितनी कावड़ उठी होंगी यहाँ से भाई। सबको पूरी आई जा रहे इतने बंदे है भाई, बोट ट्रक से पूरा जाते वक्त तो हमारे यहाँ पूरा ट्रैफिक पूरा जाम था अच्छे से, प्रॉपर बिजली भी गड़क रही है, मौसम भी काफ़ी बारिश का हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मज़ा ही आ रहा है कुछ नहीं। अगर आप नहीं आए ना तो एक बार जरूर आना, आप अगर हिंदुस्तान में हो ना और ये चीज़ नहीं कर रहे तो बढ़िया चीज़ नहीं है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करो कावड़े यात्रा, बस सेफ्टी के साथ करो, कुछ लोग इसमें सेफ्टी नहीं बरत रहे, बस और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फुल फ्रीडम स्पीड कैचम गैच, रॉन्ग वे में भी फुल बढ़िया। आ भी मजे आ रहे हैं क्या? हेलो आ रहे हैं मजे? एक नंबर, देखो वे लाइट कैसे चमक रही है। और चलते हैं अपना ये घड़ी बंदो, अब चलते हैं अपना सोनीपत की तरफ, लेट्स गो। ये रहा अपना जल भाई, लो भाई कावड़ियों का मेला लग गया यहाँ पे पूरा। अर्पित करेंगे शिव जी को, तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। काफ़ी थक चुके हैं, जल हमने चढ़ा दिया मंदिर में, पहला जल हमने चढ़ाया यहाँ पे, और इस साल पहली बार रेनोवेट हुआ था मंदिर भी, और हमारा गंगा जल चढ़ा यहाँ पे आके, भोले का बुलावा था, हमारा कुछ प्लान भी नहीं था, तो जय भोले बाबा के, ऐसे हमें बुलाता रहे।